वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सबको स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3। इसमें आपको क्या मिलेगा और कैसा है फोन है, कैसा इसका डिस्प्ले क्वालिटी है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखना जरूर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन भी आप दबा दोगे, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देखे टेक्निकल सीईओ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 है वो एक फोल्डेबल फोन है, और फोल्डेबल फोन होने का मतलब ये नहीं है कि डिस्प्ले घटिया होगा, रिफ्रेश रेट भी ठीक नहीं होगा। जो नॉर्मल फोन में आपको पहले के फोन में देखने को मिल रहा था, इसमें आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एसजेड मिलेगा, तो 120 रिफ्रेश मिलेगा। और जो इसका मेन होगा, जो आप फोल्ड करके आप ओपन करोगे तब भी उस सेम रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, अच्छी बात है। और अगर आप ज्यादातर फोल्ड अनफोल्ड करते रहोगे, एक बार तो डिस्प्ले के प्रॉब्लम आ ही जाएगा, जो क्रैक हो सकता है और डिस्प्ले को आपको डैमेज दे सकता है। और ये चीज इस बार सैमसंग ने बहुत ही ध्यान से कस्टमाइज किया है, जो इस चीज के बचने के लिए उन्होंने इस बार यूज किया है। नॉट वो अगली जनरेशन की तरह एक ही डिजिटल यूज नहीं किया है, इस बार डिजिटल फ्लेक्सिबल इम्प्रूव करने की जगह उस बार उसको दो चीज में डिवाइड कर दिया है। उसका मतलब आप डिजिटल के फिक्र नहीं है, डिस्प्ले के कोई फिक्र नहीं है, वो आप बेहतर काम करेगा जो फोल्ड में जरूरत है, वो आपको क्रैक नहीं मिलेगा। फोल्डिंग फोन का प्रॉब्लम है वाटर रेजिस्टेंट, वो वाटर रेजिस्टेंट के मामले में फोल्डिंग फोन का तो जानते हो कि फोल्डिंग फोन जब बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे, तब वाटर तो उसमें जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार सैमसंग ने जो जेड फोल्ड 3 है उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस बार उसने वाटर रेजिस्टेंट के मामले में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया। इसमें आपको IP8 का सपोर्ट मिलेगा, इसका मतलब वाटर रेजिस्टेंट बहुत ही बढ़िया मिलेगा इस बार आपको। और फोल्डिंग फोन का जो वाटर रेजिस्टेंट के मामले में थोड़ा सा इश्यू है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार आपको डस्ट रेजिस्टेंट नहीं मिलेगा, इस बार शायद अगले जनरेशन में मिल जाए आपको डस्ट प्रोटेक्शन, और आपको अच्छे लगेगा। और मैं भी चाहता हूँ कि अगले जनरेशन में डस्ट प्रूफ हो, IP6 का डस्ट प्रूफ हो, तो बहुत ही बढ़िया होगा, आपकी फोन सबसे सेफ होगा, डस्ट से वाटर से सबसे सेफ होगा आपका फोन, और आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा फोन गिर गया टूट गया, ये फोन गिर गया तो टूट ही जाएगा। इसमें आपको उस चीज का भी फिक्र करने की कोई जरूरत है, क्योंकि इस बार सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 में गोरिल्ला ग्लास विक्टर सेम जो है डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के मामले में टॉप लेवल की प्रोटेक्शन देता है, और इस बार आपको उस चीज में 4x का इम्प्रूव मिलेगा, मतलब 4 गुना ज्यादा मिलेगा इस बार आपको। सो आपकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो इस बार आपको गैलेक्सी जी फोल्ड 3 में एस पेन का भी सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत ही सही है मुझे लगता है। जो डिजाइनर है, जो ग्राफिक्स के मामले में काज करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा
है। मुझे लगा था आप फोन के साथ सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक इंस्टाग्राम नहीं देखते होंगे, और आपको चाहते हो इस फोन को और भी ज्यादा अच्छे काम के लिए यूज करना। सो ये फोन आपके लिए, और इस पेन का जो नुकीला पन होता है, जो सोचला सामने का चीज है, उसमें आपको इस बार थोड़ा कस्टमाइज किया है सैमसंग ने। इस बार आपको स्मॉलर एंड सॉफ्टर, एंड उसमें आप जब इस पेन को फोन के साथ ये करेंगे, मूव करेंगे, उसमें आपको एक स्प्रिंग सा मिलेगा जो आपके फोन की प्रोटेक्शन के लिए है। सो दूसरा चीज, फोल्डिंग फोन बिगर फोन जो फोन होता है मल्टी टास्किंग। फोल्डिंग फोन का मतलब होता है मल्टी टास्किंग ज्यादा अच्छे से कर पाए। सो इसमें आपको मल्टी टास्किंग के लिए टेक्स बार मल्टी टास्किंग इस बार बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है। सो क्या क्या इम्प्रूव किया है आप तो क्वेश्चन में पूछेंगे। सो आपके पूछने से पहले मैं बता दूंगा कि इसमें आपको टेक्स्ट बार मिलेगा तब आप फोन यूज करेंगे, बड़ा यूज बिग मेन इसे मेन डिस्प्ले में जाएंगे। सो साइड से एक से टेक्स्ट बार आएगा, जब चाहेंगे आप मल्टी टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें आपको ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए एंड सेकेंड स्क्रीन, और आप तीसरा स्क्रीन आता है तो फिर से ड्रैग कीजिए, फिर से ड्रॉप कीजिए सेकेंड स्क्रीन। अगर आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं, शायद मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप शॉपिंग करने का मन होगा, शायद आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एयरफोन खरीदते हो तो यूट्यूब से निकल के शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मल्टी टेस्टिंग में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब में रहिए, और किसी एप्स को अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ब्राउजर को ले आइए और ड्रैग कीजिए सेकेंड स्क्रीन, और आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो जो कंपेयर करना दूसरी प्रोडक्ट के साथ, दूसरी नहीं वही ब्राउजर ले आइए और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, और फिर से आपका दूसरा विंडोज आ जाएगा, विंडोज नहीं दूसरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। इस बार आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेगा। इस बार आपने को कस्टमाइज मैसेंजर मिलेगा, जो आपके जो लास्ट जनरेशन था जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा था वो अब नहीं करेगा, सिर्फ स्मॉलर साइड ही कम परफेक्ट। और आप ज्यादा अच्छे से कैलेंडर यूज कर सकते हो और मैसेंजर भी। और दूसरी चीज तो मैं बताना भूल ही गया, इसमें आपको 7.6 इंची का मेन स्क्रीन मिलेगा। आप फोल्ड करोगे सो आप देख पाओगे 7.6 इंच का डिस्प्ले। बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। विद अंडर डिस्प्ले कैमरा, ये ऐसा पहला फोन है जो अंडर डिस्प्ले कैमरा आ रहा है। अगर आप फोटो खींच रहे हो तो कैमरा पॉप अप होके नहीं आएगा, उसमें से ही आपको दिख जाएगा कैमरा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो, गेम खेल रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसमें आपको नहीं मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा कैमरा। इसमें आपको मल्टी डायमेंशन की साउंड मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसमें आपको मैं बता देता हूँ इसमें कैसा काम करता है। जो आप फोन पकड़ते हो, जो भी फोन आपके पास है, जो भी फोन नहीं, इस फोन के बारे में बात करें तो इसी फोन की से ही रिलेटेड होगा। आप फोन पकड़ते हो, जब आप वीडियो देखते हो तो अब साउंड एक ही तरफ से आता है, उसमें आपको दोनों तरफ से आएगा। और आप फील करोगे आप जिस किसी भी वीडियो देख रहे हो उसके सेंटर में आप हो, इसका मतलब ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप फोन खरीदने जा रहे हो तो रुकिए, इसमें आपको 29% ब्राइटनेस इंप्रूव है, जो अगले जनरेशन से आपको ज्यादा मिलेगा। 30% नहीं, 29%
ब्राइटनेस इम्प्रूव। आप अगर इस फोन को कैमरे के लिए खरीदना चाहते हो सो मेरा रिकमेंड है नहीं, इस फोन की कैमरा उतनी ज्यादा इम्प्रूव नहीं है इसमें आपको। ओके और अगर हम कैमरे की तरफ जाते हैं सो कैमरा में आपको 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्सल के व्हाइट मोड के व्हाइट एंगल कैमरा और तीसरी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल की टेलीफोटो कैमरा। एप्पल की तरफ जा रहे हैं क्या भाई साहब? अगर आप एप्पल की तरफ जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा नहीं मत जाइए कि मार्केट में और भी कंपटीशन है उसके मुकाबले में आपको तो बढ़िया देना होगा। सो अगर हम नेक्स्ट चीज के तरफ जाते सो आता है कैमरा से वीडियो की तरफ। डिजिटल का फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा इम्प्रूव किया है इस बार सैमसंग G8 Fold 3 5G में। सो हम बता देते हैं इसमें आपको 80% फ्लेक्सिबिलिटी देगा ज्यादा 80% जो अगले जेनरेशन था उससे ज्यादा 80%। बहुत ही अच्छी बात है जो फोल्डेबल फोन के लिए जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करे। सो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो सो आप जाना चाहते हो कि ये फोन रिलीज कब होगा। ये फोन रिलीज होगा अक्टूबर की 27 और जो दूसरी चीज आता है वो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इस फोन की प्राइस क्या होगा जब हम खरीदने जाएंगे। सो इस फोन का प्राइस होगा $1799 अगर आप अफोर्ड कर सकते सो गो ऑन तो आप फोन खरीद सकते हो और अगर आप फोन के उतनी ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते सो हमारा और एक फोन आ रहा है फोल्डेबल फोन जो है गैलेक्सी सेट फ्लिप 3 जो उससे कम प्राइस में आएगा और जब आएगा सो हम वीडियो बनाएंगे जो अगली वीडियो आ रहा है वो उसी के बारे में है। सो सब्सक्राइब करना क्योंकि उस वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते होगे। सो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आप प्रेस कर देना और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि हम हर किसी के कमेंट की रिप्लाई जरूर करते हैं। सो कमेंट करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो